नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्यू जो बायना पेलेटर है, अगर आप इसको यूज करते हो, ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट टीम से कैसे बात करेंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये अच्छा लिमिट देता है। लिमिट लेने के लिए एक्टिवेट पर क्लिक करना होगा और हमको लिमिट यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन इस लिमिट को हम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप इस लिमिट को शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वही है दोस्तों, अगर मान लीजिएगा कि आपने शॉपिंग की और किसी प्रकार का आपको इशू आ गया, पेमेंट कट गया, या फिर मान लो कोई भी दिक्कतें हो जाती हैं, या फिर आप इसको जो है क्लोज करना चाहते हो, तो भाई कैसे करेंगे, कैसे इनसे बात करेंगे, तो मैं आपको सब कुछ अपने इस वीडियो में बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जा कर के एप्लीकेशन को सर्च करता हूँ। अगर प्ले स्टोर से नंबर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको नंबर एप्लीकेशन से निकाल करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और प्ले स्टोर पर चलते हैं भाई मेरे। सबसे पहले प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर हमने ओपन कर लिया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे इस पे लेटर को, तो ये पे लेटर हमको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर में बड़ी ही आसानी से, ठीक है फ्रेंड, देख लेंगे। तो ये रहा भाई ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं है ऐप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे मिला ही नहीं नंबर, चलिए हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद हम फिर से अपना ऐप को ही ओपन करेंगे और ऐप को ओपन करने के बाद आपको एप्लीकेशन से बताएंगे कि इनकी टीम से हम कैसे बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे होम स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको मेरा नाम लिखा दिख रहा होगा और उसी के बगल पे एक और आइकन आपको दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इसी आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा होगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे चेंज नहीं करना, ठीक है। अब बात करते कि इनसे हम कैसे बात करेंगे, कहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप, बस आप देखते रहिएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पे लेटर की हेल्प सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ पर लगभग कई प्रकार की वेबसाइटें मतलब ओपन होगी, या फिर मान लो कुछ भी ओपन होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको हेल्प सेंटर में इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, जो है 0806807501, ठीक है। और अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते हो, डायल नहीं करना चाहते हो, तो आप इनको मेल भी कर सकते हो, ask@akio.co.in पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इनसे कॉलिंग पे बात करेंगे तो मेरे भाई आपको 9 AM से 6 PM के बीच में ही कॉल लगाना है। अगर इसके बाद आप कॉल लगाएंगे तो हो सकता है आपकी कॉल जो है वो ना उठाई जाए, या फिर आपकी कॉल कनेक्ट ही ना की जाए, तो इस बात का ध्यान रखें 9 AM से 6 PM मंडे टू सैटरडे आपको कॉल करना है। संडे के दिन इनका हॉलीडे होता है, ठीक है। सो मेरे भाई आपको मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है, आप यहां से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो सारी की सारी आप सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम ID को पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से आकर के हमको फॉलो कर लें और हमसे मदद आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।